प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए पीएम केयर्स फंड में सहायता देने की बात कही। फिर क्या था, लोगों के हाथ मदद को आगे बढ़ने लगे। देश भर से सहायता देने को हाथ आगे बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फंड में 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही। पीएम मोदी ने सबकी तारीफ की है। इसी कड़ी में एक शख्स ने पीएम केयर्स फंड में 501 रुपए दिया। बाकायदा उस शख्स ने ट्वीट करके पीएम मोदी को इसकी जानकारी दी। फिर क्या था, पीएम मोदी ने उसके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक योगदान महत्व रखता है। यह कोविड-19 को हराने के हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक छात्र के 1000 रुपए के योगदान के लिए भी उसका शुक्रिया अदा किया। खास बात यह रही कि रेलवे के एसोसिएशन के 5,00,000 रुपए के मदद पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारा रेलवे लोगों को जोड़ता है और हमारे राष्ट्र की प्रगति का सूचक है, और अब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मूल्यवान शक्ति जोड़ रहा है, धन्यवाद। बताते चले कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोग लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई बड़ी हस्तियों ने पीएम केयर्स फंड में मदद राशि जमा कराई है और लोग लगातार मदद कर रहे हैं। पीएम केयर्स फंड मुख्य रूप से कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात को लेकर बनाया गया है। इसके चेयरमैन खुद पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इसके सदस्य हैं। पीएम केयर्स फंड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, RTGS और NEFT से पैसा जमा कराए जा सकते हैं। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।